पूरा भरोसा? हाँ पूरा भरोसा है कि सजा दिलाएंगे, और जिसने मारा है मेरे भाई को उसको सजा होनी चाहिए, और हम फांसी की सजा चाहते जैसे मेरे भाई को टांगा हुआ था वैसे ही, और मैं कातिल को जिसने उसको मारा है बस मैं यही कहना चाहूँगी जिसने मेरे भाई को मारा उसको वैसे ही सजा मिले जैसे मेरे भाई को टांगा हुआ था वैसे ही टांगे उसको भी, तब ना कोई गरीब को नहीं टांगेगा, नहीं तो कहीं भी किसी को भी टांग के रख दे। मुखिया भी नहीं आए, पंचायत समिति नहीं आए, क्या कहते हो नहीं आई, प्रशासन तो साफ ही नहीं आए, वो तो आज तक अभी तक नहीं आए, और बताइए। जब किसी के दुख सुख में जाते हैं, गरीबों पर कोई जो है विपदा आ जाती है तब जाते हैं, बाकी यहाँ पर कोई भी सत्ता पक्ष का नेता नहीं है। दर्शकों आप तो ये जानते ही हैं कि इस वक्त जेडीयू आरजेडी मिल करके सरकार चला रही हैं, लेकिन इस बीच अभी भी न तो कोई जेडीयू का नेता आया न तो आरजेडी का नेता आया, कोई आया तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव आए थे, आश्वासन देकर गए हैं। क्या आश्वासन दिए हैं आइए घर वालों से पूछते हैं, और आ जाइए। ये पंकज की बहन है। अच्छा पप्पू यादव आए थे, क्या बोले वो? वो हमें नहीं पता, उधर बातें की। पप्पू यादव आए थे, बोल रहे थे कि न्याय मिलेगा, कितने क्या आपको पप्पू यादव पर भरोसा है? जिस तरह से पप्पू यादव बोल करके गए हैं कि न्याय दिलाएंगे कुछ भी हो जाए, कितना परसेंट भरोसा है पप्पू यादव पर? बहुत भरोसा है। पूरा भरोसा? हाँ पूरा भरोसा है कि सजा दिलाएंगे, और जिसने मारा है मेरे भाई को उसको सजा होनी चाहिए, और हम फांसी की सजा चाहते जैसे मेरे भाई को टांगा हुआ था वैसे ही, और मैं कातिल को जिसने उसको मारा है बस मैं यही कहना चाहूँगी जिसने मेरे भाई को मारा उसको वैसे ही सजा मिले जैसे मेरे भाई को टांगा हुआ था वैसे ही टांगे उसको भी, तब ना कोई गरीब को नहीं टांगेगा, नहीं तो कहीं भी किसी को भी टांग के रख देंगे। आज मुझे पर परा भी किसी और अच्छा सिर्फ पप्पू यादव ही क्यों पहुँचते हैं? एक सत्ताधारी पार्टी भी है, जेडीयू भी है, नीतीश कुमार भी हैं, और हाल ही में तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, अभी और नेता नहीं आए हैं, सत्ता पक्ष के कोई भी नेता नहीं आए हैं, और आरजेडी के कहते हैं जो पप्पू यादव जी हैं ये सत्ता में भी नहीं है, फिर भी लोगों की मदद करते हैं। क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों का नहीं सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो जानवे नहीं करते हैं, पर क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव ही आए और कोई आ नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए होगा। खाली पप्पू यादव जी आए हैं, उन्हें तो बाकी कोई लोग नहीं आए, बाकी सब वोट लेने के लिए आते हैं। हाँ वोट लेने के लिए पैर जोड़ने आते हैं कि हाँ हमें वोट दीजिए, और हम लोग वोट देते हैं, हम पागल है इसलिए वोट दे देते हैं, बैठे ठीक है, और कोई नो बात नहीं, घूस पर सब उतरे हुए हैं, अगर घूस नहीं लेते तो आए होते इस टाइम, ठीक है देखे होते, इतना 7 दिन बीत गया ना 1000 दिन, तो एक टाइम भी आते शाम सवेरे तो छोड़िए, कम से कम एक बारी तो आके देखना चाहिए कैसा है परिवार, नहीं है जी रहा है कि मर रहा है, वो तो आके देख सकते हैं ना। मुखिया भी नहीं आए, पंचायत समिति नहीं आए, क्या कहते हो नहीं आई, प्रशासन तो साफ ही नहीं आए, वो तो आज तक अभी तक नहीं आए, और बताइए। अच्छा ये आप तो जानते ही हैं दर्शकों, यहाँ पर बिहार में आए दिन ये घटनाएं इस तरह से घटनाएं घटती रहती है, कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, लेकिन पप्पू यादव इकलौते नेता हैं यहाँ के, जो सिर्फ नाम के नेता नहीं है, काम के भी नेता हैं, लोगों के सुख दुख में पहुँचते हैं। आइए बात करते हैं, एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? शिव नारायण दास। अच्छा ये बताइए जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ बिहार में क्या एक ही नेता बचा है? जी हाँ पप्पू यादव, उनके अलावा कोई नहीं है? जी नहीं, जो सत्ता में बैठे हैं से वैसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे राज करने के लिए बैठे, लोगों के बीच में नहीं आने वाले, नहीं पप्पू यादव ने तो बोल दिया कि क्या कहते हैं न्याय दिलाएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव से जो भी बनता है, जो भी उनसे हो पाता है करते भी हैं, ठीक है, लेकिन असली ताकत किसके पास है? असली ताकत तो तेजस्वी के पास है, और क्या कहते हैं नीतीश के पास है। जी हाँ शासन तो उन्हीं के हाथ में, हाँ उन्हीं के हाथ में, तो वही करवाएंगे, वो तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, लेकिन नहीं आए हैं अभी तक। ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हैं?
वोट के समय में तो लोग जो है से दइए देते हैं, लेकिन फिर भी वो न्याय की ओर नहीं देखते हैं। अच्छा, जिस तरह से कहते हैं पंकज की हत्या हुई और उनको कहीं ना कहीं मार करके बिजली के टावर में टांग दिया गया, किसका हाथ है इसमें? इसमें हाथ है उन्हीं का जो है से प्रेमिका का। हाँ, प्रेमिका का। प्रेमिका का, जिससे प्रेम करते थे, सोनी से। हाँ, सोनी से, उसी का हाथ है। महिलाओं से बात करते हैं दर्शकों, महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का भी जो है कहना जो होता है। क्या नाम है आपका? इनका बताइए। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सीता ले। अच्छी होता है, जिस तरह से बिहार के अंदर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, ठीक है, क्या यहाँ का जो शासन व्यवस्था है ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। सब अच्छा, रहता है, कोई किसी को कोई साथ नहीं देता है। आए दिन गोली चलता रहता है, आए दिन हत्या होती है। हाँ, सही है बात है। अच्छा, किसने पंकज को मारा है? मेरे पता, इस बात को पता नहीं है। देखे जो मारा हुआ तो सुने जो मारा हुआ। अच्छा, पंकज किस तरह का लड़का था? लड़का बहुत अच्छा, आज तक तो हम यार बच्चा से बतिए लेने बहुत अच्छा था लड़का। कैसा लड़का था पंकज? ठीक है। जानती है कि नहीं? नहीं जानती। पंकज को नहीं जानती आप? तब कैसे बोल दी, बोल रही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये जान लीजिए दर्शकों, लोग तो बता रहे हैं पंकज अच्छे थे, स्वभाव से ठीक ठाक थे, लोगों का कहना ये है। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद नौशाद है, हम खराज के रहने वाले से हैं, मनपुर खैरी से आगे। लेकिन ये लड़का हमारे साथ जो आता था तो पैसे दे के जाता था, मैं समझे बहुत ईमानदार लड़का था, बहुत बढ़िया लड़का था। लेकिन बहुत गलत हुआ है, ये व्यवहार बहुत गलत हुआ है। गलत किया हमारे पंचायत में? बहुत गलत किया। किसने गलत? जो मारा है उसने गलत किया है। कौन मारा है? कौन मारा है वो तो हम देखते हैं, रात में मारा गया तो हम देखे गए प्रेमिका की तरफ से। हाँ, वो प्रेमिका की तरफ से। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत व्यवहार हुआ है। बहुत बढ़िया लड़का था, इलमास नगर में हमारे टोटो पे आता था, वो पैसा लेके अंकल ले लीजिए आप हम जा रहे हैं बेटे, ठीक है बेटा। ऐसी बात है, जबकि ऑटो वालों से इतना व्यवहार इतना अच्छा था, बिहेवियर अच्छा था, उनसे अच्छे से सुलूक करते थे, तो जाहिर सी बात है दर्शकों, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि लोग ऑटो वालों से हमेशा झगड़ा कर ले। बहुत बढ़िया लड़का, लेकिन वो अच्छे थे। बहुत बढ़िया लड़का, बहुत बढ़िया लड़का। बढ़िया थे तो क्यों ऐसे किया गया उनके साथ? आप गांव समाज से पूछिए ना, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा गलत होता है ना, ये व्यवहार करना गलत होता है। या आप कभी हमारे भी जान कोई मार सकता है, गलत या सही है मेरा भी ये जान लीजिए दर्शकों। देखते हैं न्याय कब तक मिलेगा, बाकी हम लोगों की पैनी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया।